20 News is brought to you by Saika Motors Private Limited and Current Kothari Jewelers. नमस्कार, स्वागत है आपका इनबिसिन न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। मुंबई के अंधेरी इलाके में रिया पैलेस बिल्डिंग में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री आदित्य ने आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लड़ने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की आज उमर अब्दुल्ला शपथ लेंगे। इस बीच फारूक अब्दुल्ला कहा है कि जब तक हम यूनाइटेड नहीं रहेंगे तब तक देश को बचा नहीं सकेंगे। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले पंचकुला जिले के शालीमार ग्राउंड में तैयारियों का निरीक्षण किया। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा में आज कांग्रेस संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का आयोजन करेगी। 16 अक्टूबर को शाम 7 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। 16 अक्टूबर को जनरल उपेंद्र द्विवेदी COAS जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोरिशिता यासुनोरी के साथ फूजी स्कूल का दौरा करेंगे। SCO की 23वीं बैठक 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। कांग्रेस की हरियाणा में हार के पीछे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं के बीच कड़वाहट और गुटबाजी को माना चला है। यही वजह है कि पार्टी नेताओं को चेतावनी दी गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जिशान सिद्दीकी का बयान दर्ज कर सकती है। मुंबई पुलिस परिवार से ही जानना चाहती है कि क्या कोई था जिससे बाबा को जान का खतरा हो सकता था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ कांग्रेस के महासचिव जावेद श्रॉफ ने पार्टी छोड़ दी और NCP में शामिल हो गए। अजित पवार की मौजूदगी में उन्होंने NCP में प्रवेश लिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुंबई सहित कोस्टल क्षेत्र में महायुति गठबंधन और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी MVA के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यहां विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। CM एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में आचार संहिता लगने से कुछ देर पहले एक बड़ा फैसला लिया है। मुंबई नगर निगम के कर्मचारियों को दिवाली पर 28,000 रुपए का बोनस मिलेगा। NCP के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश 3 महीने पहले ही बनानी शुरू कर दी गई थी। आज के दिन करीब 1 करोड़ कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर आ सकती है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के तहत उनका महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। सेंसेक्स 173.52 अंक या 0.21% की गिरावट के बाद 81,686.60 के लेवल पर कारोबार देखा जा रहा है और NSE का निफ्टी 48.80 अंकों या 0.19% की गिरावट के साथ 25,008 पर खुला है। पुष्पा 2 के रिलीज डेट है 6 दिसंबर। अल्लू अर्जुन की इस पिक्चर का जितना साउथ में क्रेज है उससे कई ज्यादा नॉर्थ में है। ऐसे में मूल रूप से तेलुगु फिल्म होने के बावजूद ये पिक्चर हिंदी में तगड़ी कमाई कर सकती है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इनबिसिन न्यूज। नमस्कार।